हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद अवर न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में अपन रिव्यू करने वाले हैं नुसंतारा वर्जन 4.6 अपने पोको S3 डिवाइस में। तो अपने को क्या क्या इसमें कस्टमाइजेशन मिलते हैं, परफॉर्मेंस इस रॉम का कैसा रहता, गेमिंग परफॉर्मेंस इस रॉम में अपने को कैसा मिलता, वो सब अपन डिटेल में देखेंगे। रॉम को इंस्टॉल कैसा करना वो मैं वीडियो के एंड में बताया, तो वीडियो को एंड तक देखो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक भी कर दो। तो बिना टाइम वेस्ट करे अपन वीडियो को शुरू करेंगे। अबाउट सेक्शन में इधर देख सकते हैं वर्जन 4.6 है और डिवाइस के मेंटेनर अपने फौजन भाई है, तो सारा क्रेडिट उनको जाता वीडियो का। ये एंड्रॉइड वर्जन इधर अपने 12L मिलता और यहाँ पे जून 5 का अपने को सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता। कर्नल इधर अपने को सिलॉन का मिलता और यहाँ पे सिलिनक्स स्टेटस इधर अपना एनफोर्सिंग रहता। तो ये सब चीजें अपने को अबाउट सेक्शन में मिल जाती है। अपन बैक आएंगे, QoS पैनल इधर अपने को एंड्रॉइड 12 का मिलता और यहाँ पे जैसा इसको एक्सपेंड करे तो यहाँ पे शटरिंग होती, तो देख सकते हैं इधर जैसा मैं इधर इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ तो लैग देखने को मिलता अपने को। बाकी सब इधर वर्किंग है। तो ऐप ओपनिंग क्लोजिंग में इधर अपने को काफी जबरदस्त एनिमेशन मिलते हैं, देख सकते हैं काफी स्मूथ है और इधर ऑप्टिमाइजेशन बहुत जबरदस्त है, स्टेबिलिटी भी बहुत खतरनाक मिलती है अपने को। रिसेंट स्टैप्स अपने को कुछ इस तरीके से मिलते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे सेलेक्ट देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रहा और स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रहा। लेफ्ट स्वाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको क्लियर ऑल का बटन भी मिल जाता। स्वाइप करेंगे तो इधर गूगल फीड अपनी बहुत अच्छी तरीके से वर्किंग है, स्क्रोलिंग में आपको कोई भी इधर प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, देख सकते हैं इधर। बेसिक सेटिंग्स चेक कर लेंगे अपन पहले। साउंड पे अपन जाएंगे तो यहाँ पे इंक्रीजिंग रिंग एंड नोटिफिकेशन वॉल्यूम्स का इधर अपने को ऑप्शन मिलता और लाइव कैप्शन का इधर अपने को ऑप्शन मिल जाता। हैप्टिक फीडबैक्स अपने बहुत अच्छी तरीके से वर्किंग है। चार्जिंग साउंड एंड वाइब्रेशन का इधर अपने को ऑप्शन मिलता। पर ऐप वॉल्यूम कंट्रोल अपने को मिल जाता जो कि मेरा फेवरेट है और MI साउंड एनहांसर अपने को मिल जाता। इधर अपने कोई भी क्लियर स्पीकर का ऑप्शन नहीं मिलता। बैक आएंगे अपन, डिस्प्ले पे बन जाएंगे तो यहाँ पे ऑटो ब्राइटनेस एक्स्ट्रा डिम का अपने को ऑप्शन नहीं मिलता। ऑटो ब्राइटनेस अपना बहुत अच्छी तरीके से वर्किंग है। डार्क थीम व्हाइट थीम अपना बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रहा, देख सकते हैं। फॉन्ट साइज डिस्प्ले साइज सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। नाइट लाइट अपना बहुत अच्छी तरीके से वर्किंग है और कलर्स में अपने को इतने सारे ऑप्शन मिलते हैं। सैचुरेशन इधर अपने को नहीं मिलता। रिफ्रेश रेट्स इधर देख सकते हैं 120, 90, 75, 60 ये सब रिफ्रेश रेट्स अपने को मिल जाते। मिनिमम मैक्सिमम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। स्मूथ डिस्प्ले का इधर अपने को ऑप्शन मिलता, टैप टू वेकअप ऑप्शन मिलता, वर्क कर रहा कि नहीं अपन चेक कर लेंगे। टैप टू वेकअप अपना बहुत अच्छी तरीके से वर्किंग है। डिस्प्ले कटआउट्स का इधर अपने को ऑप्शन मिलता है, इतने सारे कटआउट्स है और कोई भी इधर अपने को एक्स्ट्रा फीचर नहीं मिलता। तो अपन बैक आएंगे, वॉलपेपर्स एंड स्टाइल पे अपन जाएंगे तो यहाँ पे कलर्स का इधर अपने को ऑप्शन मिलता और यहाँ पे बहुत सारे वॉलपेपर्स अपने को मिलते हैं, देख सकते हैं इतने सारे नुसंतारा के वॉलपेपर्स है, अपने हिसाब से स्विच कर सकते। डार्क थीम का ऑप्शन मिलता, थीम डायग्राम्स का इधर अपने को ऑप्शन मिलता, अपग्रेड सेट कर सकते, मिनिमम 5x5 तक रख सकते और यहाँ पे सिस्टम आइकॉन पैक्स का इधर अपने को ऑप्शन मिलता, देख सकते हैं इतने सारे आइकॉन पैक्स है, अप्लाई कर सकते हैं अपने हिसाब से। सिक्योरिटी पे अपन जाएंगे तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट वर्किंग है कि नहीं वो अपन चेक कर लेंगे। तो देख सकते हैं फिंगरप्रिंट अपना बहुत अच्छा वर्क कर रहा और इधर अपने को रिपल इफेक्ट भी देखने को मिलता। ऐप लॉक का अपने को ऑप्शन मिलता, स्मार्ट लॉक का इधर अपने को ऑप्शन मिलता, ऑटो रिबूट का इधर अपने को ऑप्शन मिलता, अपना फोन जो है नॉट एनक्रिप्टेड है। बैटरी में इधर अपने को एंड्रॉइड 12 के ग्राफिक्स मिलते और यहाँ पे बैटरी सेवर अपने को मिलता, अडैप्टिव बैटरी का इधर अपने को ऑप्शन मिलता, इतने सारे ऑप्शंस अपने को मिलते। तो अपन बैक आएंगे, अब अपन देख लेंगे अपने को इसमें कस्टमाइजेशन कैसा मिलता। नुसंतारा विंग्स पे अपन टाइप करेंगे तो सबसे पहले अपने को गेम स्पेस का ऑप्शन मिलता, देख सकते हैं यहाँ पे ऐड कर सकते हैं गेम्स को अपने और इतने सारे ऑप्शन अपने को मिलते हैं। और थीम्स का इधर अपने को ऑप्शन मिलता, डायनेमिक सिस्टम बार का इधर अपने को ऑप्शन मिलता, इधर डायनेमिक स्टेटस बार इनेबल कर ले सकते, कलर्स के हिसाब से स्टेटस बार अपना जो है कलर चेंज करते रहता है इधर, वैसी नेविगेशन बार भी है इनेबल कर ले सकते। और नुसंतारा ब्लर स्टाइल आप इनेबल कर सकते, रिस्टार्ट करने को बोलता है फोन को, कर लेना इधर आगे। फॉन्ट स्टाइल देख सकते अपने को इतने सारे फॉन्ट्स मिलते, आइकॉन पैक्स अपने को मिल जाते इतने सारे, आइकॉन शेप्स अपने को मिल जाते, मॉनेट इंजन अपने को मिलता, मॉनेट इंजन में अपने को यूज एक्यूरेट स्टेट्स का यहाँ पे ऑप्शन मिलता, यूज लीनियर लाइटनेस का इधर अपने को ऑप्शन मिलता, थोड़े बहुत कलर्स में डिफरेंस आपको मिलते, ब्लैक थीम का इधर अपने को ऑप्शन मिलता, नुसंतारा क्लियर थीम का ऑप्शन मिलता, बता देता हूँ मैं कैसा है। तो देख सकते एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाता सब कुछ। नोटिफिकेशन पे अपन जाएंगे, यहाँ पे एम्बियंट एज लाइटिंग का अपने को ऑप्शन मिलता, नोटिफिकेशन है तो एज पे जो लाइटिंग आती, वाइब्रेट ऑन कनेक्ट वाइब्रेट ऑन डिस्कनेक्ट अपने को ऑप्शन मिल जाते। बैक आएंगे अपन, मिसलिनियस पे अपन जाएंगे तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट साउंड का इधर अपने को ऑप्शन मिलता, स्क्रीन ऑफ एनिमेशन देख सकते, CRT स्केल सेट कर सकते अपने हिसाब से, अनलॉक हायर FPS इन गेम्स का अपने को ऑप्शन मिलता, हिडन एप्स का ऑप्शन मिल जाता, स्वाइप टू स्क्रीनशॉट यहाँ पे ऑप्शन मिलता, डबल टैप टू स्लीप ऑप्शन मिल जाता। अपन स्वाइप करेंगे तो यहाँ पे लॉक स्क्रीन आइटम्स देख सकते, 4 स्मॉल क्लॉक को यहाँ पे इनेबल कर ले सकते, चार्जिंग एनिमेशन को इनेबल डिसेबल कर सकते, चार्जिंग इन्फो को भी आप इनेबल डिसेबल कर सकते। फिंगरप्रिंट प्रेस पे अपन टैप करेंगे तो यहाँ पे वाइब्रेशंस और रिपल इफेक्ट को आप इनेबल डिसेबल कर ले सकते। स्वाइप करेंगे तो यहाँ पे बैटरी ऑप्शंस पे जाएंगे अपन तो आप बैटरी टेक्स्ट को जो है लेफ्ट पे कर सकते, देख सकते हैं लेफ्ट पे चले गए बैटरी टेक्स्ट। बैटरी स्टाइल अपने को इतने सारे मिल जाते, अपने हिसाब से सेट कर सकते और यहाँ पे बैटरी परसेंटेज को इनेबल डिसेबल कर ले सकते। बैटरी एस्टिमेट एंड परसेंटेज का इधर अपने को ऑप्शन मिलता है, इनेबल कर ले सकते। क्लॉक ऑप्शंस पे बन जाएंगे तो यहाँ पे सेकंड्स को इनेबल कर सकते। आइकॉन मैनेजर पे बन जाएंगे तो यहाँ पे कलर्ड आइकॉन्स का इधर अपने को ऑप्शन मिलता,
ट्यूनर स्टेटस बार आइकॉन का इधर अपने को ऑप्शन मिल जाता और नुसंतारा लोगों को आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, इधर से देख सकते हैं इधर चले गया। और यहाँ पे कंबाइंड सिग्नल आइकॉन्स का इधर अपने को ऑप्शन मिलता, ओल्ड मोबाइल डेटा आइकॉन्स का इधर अपने को ऑप्शन मिल जाता। बैक आएंगे अपन, क्विक सेटिंग्स पे अपन जाएंगे, हाइड क्यूएस एंड लॉक स्क्रीन का इधर अपने को ऑप्शन मिलता, किलर ऑल नोटिफिकेशन बटन को आप इनेबल कर सकते हैं, वाइब्रेट ऑन टच अपने को ऑप्शन मिल जाता, फुटर टेक्स्ट का यहाँ पे इधर अपने को ऑप्शन मिलता। यहाँ पे ब्राइटनेस लेडर की पोजीशन आप सेट कर सकते हैं टॉप या बॉटम, क्विक पैनल पे आप इनेबल कर सकते हैं ब्राइटनेस लेडर को, देख सकते हैं इधर आ जाता। बैक आएंगे अपन, ट्रैफिक इंडिकेटर्स का इधर अपने को ऑप्शन मिलता, इनेबल कर ले सकते, स्वाइप करेंगे तो यहाँ पे बटन्स का इधर अपने को ऑप्शन मिलता। यहाँ पे वॉल्यूम पैनल को लेफ्ट पे कर सकते, देख सकते वॉल्यूम पैनल अपना लेफ्ट पे चले आता। नेविगेशन का इधर अपने को ऑप्शन मिलता, यहाँ पे हैप्टिक्स को आप इनेबल कर सकते और यहाँ पे एक्शंस परफॉर्म कर सकते, लॉन्ग लेफ्ट स्वाइप करेंगे तो इतने सारे एक्शन परफॉर्म कर सकते आप, तो ये सब कस्टमाइजेशन अपने को नुसंतारा में मिल जाता। सेफ्टी नेट चेक कर लेंगे अपन, रन टेस्ट पे अपन टाइप करेंगे तो यहाँ पे सेफ्टी नेट देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट अपने को पास मिलता, तो बैंकिंग एप्लीकेशन गूगल पे फोन पे इजीली रन कर सकते हैं। गीक बेंच के स्कोर्स मैं आपको चेक कराता हूँ, तो यहाँ पे स्कोर्स देख सकते हैं, सिंगल कोर अपना 523 और मल्टी कोर अपना 1389 अपने को मिलता। सीपीयू थ्रॉटलिंग चेक कर लेंगे अपन, तो ग्राफ आप इधर देख सकते हैं, मैक्सिमम अपना 1,45,000 जीबीएस तक सीपीयू थ्रॉटल होता और एवरेज अपना 1,31,000 जीबीएस तक जाता और मिनिमम इधर देख सकते 1,10,000 जीबीएस तक अपना जाता। गूगल फोटोज में इधर अपने को लिमिटेड स्टोरेज जो है इनेबल मिलता, देख सकते हैं। डीआरएम इन्फो के अंदर इधर अपने को वाइड बैंड L1 अपने को मिलता और ये कैमरा एप्लीकेशन अपने को इनबिल्ड मिलती, देख सकते हैं। यहाँ पे QR स्कैन और नॉर्मल अपने को फीचर्स मिल जाते, वीडियो रिकॉर्डिंग कैमरा यहाँ पे ऑप्शन मिलता और कोई भी इधर अपने को एक्स्ट्रा फीचर नहीं मिलता कैमरे में। गेमिंग परफॉर्मेंस चेक कर लेंगे अपने को, इस रॉम में कैसा मिलता। एपेक्स लेजेंड खोल लेंगे अपन, तो गेमिंग में इधर अपने को कोई भी फ्रेम ड्रॉप्स नहीं मिलते, एकदम खतरनाक इधर गेम प्ले अपन कर सकते और कोई भी इधर मेरे को हीटिंग इशू देखने को नहीं मिला। बैटरी भी अपनी बहुत अच्छी चली और इधर कोई भी मेरे को ड्रेन इशू देखने को नहीं मिला गेम खेलते खुद में। तो गेमिंग आज से इंस्टॉल करे तो कर सकते हैं रोम को, बहुत जबरदस्त है। अपन अब देख लेंगे इस रोम को इंस्टॉल कैसा करते हैं। अच्छा देखो फ्लैश कैसा कर रहा हूँ, थोड़ा डिफिकल्ट है इसको फ्लैश करना, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, अगर स्किप कर दिए तो आपका फोन बूट लूप में चल जाता। वाइप वाले सेक्शन पे अपन जाएंगे, एडवांस वाइप पे अपन टाइप करेंगे, डेल्विक कैच मेटा डेटा डेटा ये सारे पार्टीशन को सेलेक्ट करके अपन वाइप कर देंगे। होम पे अपन आएंगे, इंस्टॉल पे अपन टाइप करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं नुसंतारा वर्जन 4.6.12L, इसका लिंक टेलीग्राम पे दे देता हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ, तो इस पे अपन टाइप करके फ्लैश कर लेंगे। फ्लैशिंग प्रोसेस थोड़ा सा टाइम लेता है तो आपको वेट करना पड़ता है, जब तक फ्लैशिंग प्रोसेस अपना कंप्लीट हो गया तो अपन होम पे आएंगे, वाइप वाले सेक्शन पे अपन टाइप करेंगे, फॉर्मेट डेटा पे अपन टाइप करेंगे, YES टाइप करके अपन टिक कर देंगे इधर। होम पे अपन आएंगे, फिर अपन रिबूट पे अपन टाइप करेंगे, रिकवरी पे अपन टाइप कर देंगे तो अपन रिकवरी में बूट होने देंगे फोन को, तो अपन आगे रिकवरी पे। एडवांस पे अपन टाइप करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं कन्वर्ट रॉम टू RW, इस पे अपन टाइप करके जो स्वाइप कर देंगे। ये प्रोसेस थोड़ा सा टाइम लेता, जब तक लाइक और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। आप देख सकते हैं फ्लैश अपना कंप्लीट हो गया। बैक आएंगे अपन, रिबूट पे आके अपन फिर से रिकवरी पे टाइप कर देंगे, इंस्टॉल पे जाएंगे अपन, यहाँ पे फाइल देख सकते हैं डिसेबल DM वैरिटी, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, इसको फ्लैश कर लेंगे अपन। फ्लैशिंग प्रोसेस अपना कंप्लीट हो गया, रिबूट सिस्टम पे अपन टैप कर देंगे। आप देख सकते हैं अपना फोन जो है सक्सेसफुली बूट हो गया नुसंतारा में। ये था अपना कंप्लीट रिव्यू नुसंतारा वर्जन 4.6 का। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी तो लाइक कर दो, चैनल पे अगर नया है तो सब्सक्राइब कर दो। आपको कौन सा कस्टमर अच्छा लगता है वो अपने कमेंट में बोल सकते हैं, उसका मैं रिव्यू लेकर आता हूं अपने चैनल पे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करे तो ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है और इस रॉम का लिंक भी मैं टेलीग्राम पे दे दिया। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।